हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग, सभी को सुबह हो चुकी है और नेक्स्ट डे व्लॉग का स्टार्ट है। और आज फिर से यहाँ पर देख लीजिए आप, बारिश ही लगी हुई है, क्योंकि ये आसाम में बारिश ही लगी रहती, तभी तो यहाँ पे बाढ़ आई थी। और आज भी कुछ देखिए, तालाब वगैरह सारे ही भर चुके हैं यहाँ पे। तो सुबह सुबह का टाइम था, तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। मैंने अंदर तो अंधेरा ही डाला हुआ है, अंधेरा नहीं है वैसे, है लाइट यहाँ पे, मैंने तो ऐसे बंद की हुई है। और फिर मैंने सोचा सुबह सुबह गर्म पानी पी लेती हूँ, तो मैंने इसके लिए गर्म पानी रख दिया है और इसको करते हैं ऑन। और कौन कौन पीता है गर्म पानी मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, और क्या फ़ायदे होते हैं इसके ये भी बताना। तो मैं अभी लगी थी कुछ काम करने, क्या लगी थी मैं करने, अपने फेस पर लगी थी होम रेमेडी का फेस मास्क बनाने। तो मैं इसके लिए ले रही हूँ एक बाउल, बाउल में डालूंगी मैं थोड़ा सा, ये है मेरे पास बेसन, क्योंकि लगाए हुए बहुत दिन हो गए, मुझे पिंपल भी निकल रहे हैं। तो गाइस गर्म पानी तो हो चुका है, गर्म पीएंगे पहले। तो मैं इसके लिए आपको बताती हूँ क्या क्या डाल रही हूँ मैं इसमें। गाइस फेस पैक मैंने बना लिया, इसमें मैंने डाला हल्दी, दूध, बेसन एंड डाला मैंने इसमें हनी, शहद। तो आपके पास अगर गुलाब जल हो, एलोवेरा जेल हो, तो आप वो भी डाल सकते हो, बट यहाँ पे जो जो मेरे पास है मैंने उसी का यूज़ किया है। तो इसको मैं अच्छे से मिला लेती हूँ थोड़ा सा दूध डाल के, क्योंकि मेरे फेस पे अच्छे से लग जाए, ज़्यादा पतला नहीं करना है इसको। तो गाइस जैसे कच्चा दूध होता है, अगर आप उसकी मलाई डाल लेना तो ज़्यादा बेटर होता, बट यहाँ पर हम तो जब आता दूध तभी बॉयल कर देते, नहीं तो ख़राब हो जाता। तो अभी इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और फुल वीडियो देखनी होगी कैसे कैसे यूज़ कर रही हूँ, तो इंस्टा पे भी आ जाती है, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ साथ साथ में, तो उसकी वजह से मुझे। और मैंने अभी झाड़ू लगाना है, फिर नहाना है, तो मैंने सोचा नहाने से पहले इसको यूज़ कर लेती हूँ, तब तक ये सूख जाएगा। ये सूखने के बाद इसको हम रगड़ रगड़ के अच्छे से निकाल लेंगे। इसलिए गाइस मैंने आज अपना दिमाग लगाया है, नहाना ही तो है अच्छे से, गले गुले में, बाजू में लगा सकते हो आप इसको नहाने से पहले, नहाने के बाद भी लगा सकते हो, बट मुझे स्मेल आती है तो मैं नहीं लगा सकती, मैं तो नहाने से पहले यूज़ कर सकती हूँ इसको। बस मेरी मम्मी बस घर में यही लगाती रहती थी तो अभी मैं इसको लगाती हूँ, फिर दिखाऊंगी आपको। तो है गाइस मैंने इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया, यहाँ पे छूट रहा मुझे लग रहा है, कुछ जगह नहीं छूटनी चाहिए। देखो बाजुओं को भी लगा लिया मैंने, दूसरी बाजू नहीं दिख रही, एक ही दिख रही है आपको। तो शादी में कसर रह गई थी बूटना लगाने की, वो खुद पूरी कर लो ऐसा कुछ नहीं गाइस, ये बहुत अच्छा पैक होता है घर में यूज़ करने के लिए, फेशियल फुशियल वगैरह करवाने से अच्छा ये लगाओ घर, होम रेमेडी। तो अभी मैं फटाफट लगाती हूँ झाड़ू, क्योंकि ये तब तक सूख जाएगा, फिर मुझे नहाने का काम रहेगा। तो मैंने उसके लिए भी गीजर ऑन कर दिया, मेरा झाड़ू तो चला गया नीचे बहुत दूर। तो दोस्तों ये झाड़ू लगाते लगाते जो मैंने फेस पैक लगाया हुआ ये सूख जाएगा। और फिर मैंने प्रेस टेबल को, प्रेसिंग टेबल जो था उसको साफ़ किया, मिरर को साफ़ किया। मिरर तो यहाँ के इतने गंदे हैं ना, मतलब क्या ही बोलने, बिल्कुल ऐसे धुंधले से, इसमें फेस तक भी नहीं दिखता हमारा, और सामने दिख रहा था हमारा वॉशरूम। और यहाँ पे मैंने सारी सफाई कर दी, फिर उसके बाद मैंने मैट ये जो बिछाए होते छोटे छोटे इनको साफ़ किया। दरवाजों में यहाँ पे जल्दी जाले फंस जाते हैं, तो उसको भी साफ़ कर दिया मैंने। तो रोज़ ही यहाँ पे पोछा लगाओ, कल तो मैंने इसको पानी से ही धो दिया। देखिए गाइस मेरी बाजू जो है पूरी तरह से सूख चुकी है, अभी फेस थोड़ा थोड़ा सूख रहा, पर इसको भी हम रगड़ रगड़ के निकाल देते और बाजू को भी। तो मेरी पानी की बाल्टी भी भर चुकी है, तो मैं इसको पानी के साथ ही निकाल दूँगी रगड़ रगड़ के। और मुझे पड़ी है, पानी भर रहा है अभी हमारा, तो मैं इसको निकालती हूँ फटाफट से।
ज़्यादा गर्म पानी हो गया। फोन को हम रखेंगे यहाँ पर और वर्जू को जो फेस पैक है इसको हम अच्छे से ऐसे कर लेंगे। आप लोग जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। बाजू को कुछ ज़्यादा ही सूख गया है। फेस का भी हम सेम इसी तरह से निकालेंगे। तो मैं फटाफट से इसको करती हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने फेस को क्लीन कर लिया है और हमारी आदू पुच्ची भी आ चुकी है। सुबह सुबह ही आप माची के घर आ जाते हो? क्यों आए? आया हूँ। तो अभी हम कर लेते हैं पूजा गाइस। तो आदू क्या बोल रहा है, किसको नहलाना है? आदू हमने किसको नहलाना है? छोटा बेबी, यानी कि लाड्डू गोपाल को नहलाई करेंगे हम उसको। और आदू ने आज डाली सॉक्स क्योंकि यहाँ पे लगी हुई है बारिश और आदू आज नहाई भी नहीं कराए क्योंकि आदू बीमार हो जाती। मेरी पूछी है ना, बीमार हो जाती फिर डॉक्टर के पास जाना होता है ना? नहीं जाना होता हमने डॉक्टर के पास, इसलिए हम नहाएंगे नहीं। तो गाइस आज मैंने भी सूट वेयर किया है क्योंकि आज ठंड लग रही है। तो हम फटाफट से करते हैं पूजा और ग्लो आप फेस पे देख सकते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, घर की रेमेडी है तो ज़रूर लगाना चाहिए, हफ्ते में महीने में एक बार तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो फटाफट हम कर लेते हैं पूजा। तो गाइस ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी दोपहर का टाइम में बन रही है तोरी की सब्जी। तो इसके लिए यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है एंड अभी किया है इसमें ऑनियन, लहसुन एंड मिर्ची और थोड़ा सा डाल लूंगी मैं इसमें हींग। बस हींग डाल दिया, अब इसको अच्छे से सौटे करेंगे, ब्राउन होने तक पकाएंगे। फिर हम इसमें डालेंगे दो टमाटर का रखा दू कहाँ ये देखो इसमें टमाटर कहाँ फेंकती है बड़ा ही आदू पिटाई भी होती तो। और तोरी भी मैंने वॉश करने रख दी है। क्या बोल रहे हो? हाय गाइस मेरी पुच्ची क्या कर रही है? हाय गाइस, मेरी पुच्ची ने आज अपना पांडा भी लेके आई है। पांडा चला के दिखा दो। अच्छा इनको चलाओ पांडा। कहाँ आ रहे हो? बाहर आ रहे, जाओ उधर जाओ, चल जाओ। एंडे पांडा आ गया। पांडा गाइस, पांडा जाओ ना, पांडा लेके, पांडा चला हुआ है। तो गाइस मैं इसको ब्राउन होने तक पका लेती हूँ और टमाटर को भी काट लेती हूँ। आदू चॉपर में टमाटर को चॉप कर रहा है। आदू क्या कर रहा है? टमाटर को कट कर रहे हो? ठीक है, बस हो गया, अभी डाल देते हैं सब्जी में। जूस बन गया इसका। हाँ जूस बन गया, इसको खोलो, पकड़ो नीचे से पकड़ो, अब मैं खोल देती हूँ। हाँ पकड़ो। तो गाइस अभी ये टमाटर, गाइस सब्जी बना रहे हैं। आदू को भी मैं ब्लॉगिंग करना सिखाई दूंगी यहाँ पे रहते रहते। तो अभी इसको हम डालते हैं हल्दी। आदू लड़ाई नहीं करनी मासी से। दे दो। क्या देना मासी ने? फोन देना। फोन क्या करना आपने? बस गाइस अभी हम इसको पकाएंगे, फिर तोरी हमारी डाल देंगे इसमें, फिर बनके रेडी हो जाएगी। तो इसको खाएंगे हम आज भी चावल के साथ। ये बनके रेडी हो चुकी है टमाटर की प्यूरी। अभी हम इसमें डालेंगे ये तोरी, इसको हम अच्छे से पकाएंगे। छिलका कहाँ से चला गया? ये आदू डाल रहा था ना। और अभी हम इसको थोड़ा सा हिला के अच्छे से 10-15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। फिर इसके बाद ढक्कन इसका नहीं लगाना क्योंकि ये खुद ही पानी छोड़ती है। चावल के साथ मेरी तो फेवरेट है, आपकी पता नहीं। तो इसको हम 5-10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। गाइस बोले देखोगे तोरी बन गई। गाइस को बोलो तोरी बन गई है। लंच हमारा रेडी है और लंच में मैंने जिसे बताया था कि बन रहा है तोरी की सब्जी एंड चावल और थोड़ा सा ककुम्बर।
तो अभी मैं करती हूँ इसको सर्व और करती हूँ इंजॉय, क्योंकि ये मेरी फेवरेट सब्जी है। ये ठंडी भी होती है और मुझे ज़्यादा पसंद है, रात के लिए भी हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि हबी जी अभी तक आए नहीं है, पता नहीं कब तक आएंगे। जब तक हम करते हैं खाने को इंजॉय। अभी महीना डेढ़ महीना हो गया हमें अकेले यहाँ पे, तो फटाफट करती हूँ मैं इसको इंजॉय, आप लोग भी इंजॉय करो और बताओ कि आपको तोरी की सब्जी एंड चावल कैसे लगते हैं। तो मैं कर लेती हूँ इसको इंजॉय। खाना खा के मैं हो चुकी हूँ फ्री और टाइम हो चुका है, शाम के लगे हैं 5 बजने। तो हम सब्जी बना के ही नीचे ग्राउंड में जाते हैं, मैं आपको नीचे का व्यू दिखाती हूँ। गाइस कुछ इस तरह का व्यू है आज मौसम का, मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। और ये देखिए बफेलो भैंस यहाँ पे भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, देखिए कबूतर जाते हुए। और यहाँ पे पार आपको गार्डन में दिख रहा होना पीकॉक जो कि चौक चुकते हुए, और उस साइड बच्चे कुछ साइकिल चला रहे हैं एंड साइकिल मतलब स्कूटी सीख रहे हैं। लगी सब्जी बनाने, तो शाम के लिए मैं सब्जी बना रही हूँ। आज मेरे पास कुछ भी सब्जी नहीं है, तो मैं सोचूँ क्या बनाऊँ पहले क्या बनाऊँ। फिर मैंने लिए हैं ये आलू 3, ये देखिए कितना खलारा डाल के रखती हूँ मैं किचन में। तो मैंने लिए हैं 3 आलू और इसको तो मैं कर देती हूँ चॉपर में चॉप मसाला। तो मैं कैमरे को रख देती हूँ यहाँ पे करते हैं हम सेट इसको। तो गाइस अभी फटाफट से बनाते हैं सब्जी। आटा मैंने गूंद के रख दिया है, और वैसे तो मैं दिन में ही बना लेती थी सब्जी, बट आज मैंने ऐसे नमकीन ही बनाया था, क्या बनाया था आज दिन में भूल जाती थोड़ी की सब्जी, बट मेरा मन नहीं खाने का, तो मैंने सोचा क्यों ना शाम के लिए आलू बनाए जाए, थोड़े रसले रसले मतलब तरीदार बनाती। तो मैं कड़ाती में हूँ कड़ाई में, इसको मैं उसमें नहीं बनाती हूँ। बच्चे जा रहे हैं स्कूटी सीख रहे हैं वो, तो इनको देख के मेरा मन भी होता है कि मैं भी इनके साथ चली जाऊंगी। जाते हैं हम थोड़ी देर में, मैं तब तक सब्जी बना लेती हूँ। गाइस मुझे लग रहा है मैंने आलू कुछ ज्यादा ही काट दिए, मैं आलू इतने पसंद नहीं करती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत ज्यादा आलू खाते हैं, मतलब आलू कचरी जस्ट ब्रीक ब्रीक आलू कट नहीं करते वो खाते हैं वो, पर मैं नहीं खाती हूँ, मुझे ज्यादा आलू पसंद नहीं है। तो ऑयल गर्म है और फटाफट से लगाते हैं तड़का। आलू तो सभी को बनाने आते ही है, आलू की रेसिपी क्या शेयर करूँगी मैं, ऐसे ही दिखा रही हूँ। तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ सब्जी, फिर दिखाती हूँ आपको कि सब्जी कैसी बन के रेडी हुई। गाइस मज़ेदार आलू की सब्जी बन के रेडी है विद धनिया, तो आप लोग भी ट्राई करें और ज़रूर बनाएं ऐसी आलू की सब्जी। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि कच्चे कच्चे आलू मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है।